नमस्कार दोस्तों, इंडिया एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। प्रोग्राम है शुभ सवेरा, मैं हूँ निहारिका और लेके आ जाती हूँ डेली आपके लिए दैनिक पंचांग, आपका राशिफल और इतिहास। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का पंचांग। आज है 12 मई, दिन है आज शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, सन संवत 1945, आयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु है और ज्येष्ठ का मास है, कृष्ण पक्ष है और तिथि है सप्तमी, सुबह 9:06 तक और उसके बाद लग जाएंगे अष्टमी। नक्षत्र अगर हम लोग देखें तो श्रवण नक्षत्र 1:03 तक और उसके बाद लग जाएगा घनिष्ठा नक्षत्र। और आज सप्तमी है और तो कोई व्रत तो नहीं है। और अगर आपको आपके घर में थोड़ी सी भी अशांति है, थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि बहुत तनाव है, तो घर में एक ऐसी चंदन की कोई भी भगवान जी की मूर्ति रखी और एक ऐसे स्थान पर रखी जहां पर सब लोग उसे देख सके, तो उससे जो है आपके घर में थोड़ा सा जो मतलब अशांति का माहौल है वो जो है शांत हो जाएगा। और चंदन बहुत ही शीतल होता है। ये कुछ टिप्स आते हैं तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अगर आपके दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मसूड़ों में दर्द है, तो जामुन के रस की जो छाल होती है उससे कुल्ला करिए और या उससे जो है आपके जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे और आपका जो दर्द है वो भी चलेगा। ये छोटे से आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं जिनका हम अगर यूज करते हैं तो हमें कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है और हमें फायदा भी होता है। और अब हम लोग बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। सबसे पहले इंडिया एक्सप्रेस और मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, बहुत सारी आप लोग को बधाई। आपका जो जन्मदिन है बहुत ही अच्छा हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है 12 मई, यानी जिन आपका मूलांक हुआ 3, तो 3 मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका मूलांक का स्वामी होता है बृहस्पति, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आप दार्शनिक स्वभाव के हैं, आप में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति होती है और आपकी शिक्षा में अच्छी पकड़ है। आप एक सामाजिक प्राणी होते हैं और आपको हर काम परफेक्ट अच्छा लगता है, एकदम परफेक्शन की तलाश में रहते हैं और आप बहुत दयालु हैं। आप जब तनाव में होते हैं उसका कारण होता है अव्यवस्था। अगर आप चीजें अव्यवस्थित तो आपको गुस्सा आ जाती है। आप और अनुशासन प्रिय बहुत और इसलिए आपको लोग तानाशाह कहते हैं क्योंकि आप अनुशासन में रहते हैं। तो ये आपके गुण और अच्छे बहुत है क्योंकि हर चीज में परफेक्शन होना या एक एक घर में एक अनुशासन होना ये बहुत ही अच्छा। अगर हम लाइफ में अनुशासित है तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बेस्ट होता है। शुभ दिनांक कौन कौन से शुभ दिनांक आपके लिए? 3, 12, 21 और 30 किसी भी मंथ में बढ़ने वाली ये तारीख आपके लिए शुभ हो सकती है। 1, 3, 6, 7 और 9 शुभ अंक है आपके लिए। शुभ वर्ष 2028, 2030, 31, 34, 43, 49, 49 और 52। देवी सरस्वती, बृहस्पति देव, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। 3 मूलांक के जो स्वामी है वो बृहस्पति देव ही है। बिल्कुल बृहस्पति देव और गुरु भगवान विष्णु जी आपके इष्ट देव है। पीला, सुनहरा और गुलाबी रंग अगर आप यूज करेंगे, कभी कभी गुलाबी मेरी वॉल का भी कलर है। अगर आप लोग कभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा कलर हमें चूज करना है तो आप पीला, सुनहरा और गुलाबी को प्राथमिकता दे सकते हैं। कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष? तो बिल्कुल घर परिवार में शुभ कार्य होंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन का बढ़िया चलेगा आपका। और आपको स्पेशल अगर 3 मूलांक की और कोई स्पेशल परीक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल उसमें सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसका ये नहीं कि आप सफलता मिलेगी तो बिना मेहनत के दे, मेहनत करेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। और आपके इस बार यात्रा के योग भी बन रहे हैं तो यात्रा आप कर सकते हैं। तो ये था आपका आने वाला वर्ष। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जो लाइफ है आपकी वो मंगलमय रहे, खुशियों से भरी हुई रहे। यही शुभकामनाएं हमारे और हमारे चैनल की। जल्दी से बात करते हैं आज के सॉरी राशिफल की। क्या कहती है आपकी राशि? मेष राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा और कोई गेस्ट आ सकता है, खाने पे बिल्कुल तैयारी रखिएगा। और आप अपने बहुत चूंकि व्यस्त रहेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और अगर माता पिता की सेवा करेंगे तो आपका आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। वृष राशि, वृष रानी राशियों के वालों के लिए भी आज पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा आपका जो दिन है। और आपके जो बढ़ते हुए खर्चे हैं वो आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करिए। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है, इसलिए अपने बोलने में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि जो है
जो के लोग हैं वो अगर प्रेम जीवन में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी से अपने मन की बात कहने का आज मौका मिलेगा और परिवार में लोग आपकी बात का पूरा पूरा मान रखेंगे। और भाई बहनों में कोई समस्या चल रही है तो थोड़ी अनबन हो सकती है। कर्क राशि आज जो राजनीतिक में है कर्क राशि वाले उनके लिए बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, लेकिन कोई भी निर्णय लेते समय सोच समझ लीजिएगा। और कार्य क्षेत्र में लोग आपसे तालमेल बिठा के रखेंगे और आज कोई पुरानी गलती आपने की होगी तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आज आपको माफी मांगनी पड़ सकती है। सिंह राशि का आज थोड़ा सा टिपिकल दिन होने वाला है, थोड़ी सी उलझने आने वाली है। आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलिए तो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, और व्यापार में तरक्की होगी और आपको एक से अधिक आय स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है और माहौल आपके घर का अच्छा रहेगा। विद्यार्थी लोग अपने स्टडी पे फोकस करें। कन्या राशि आज का दिन थोड़ा सा टेंशन वाला रहेगा, कुछ सोच में आप रहेंगे, किसी से उधार ना ले तो भी अच्छा है, ना ले और ना दे। संतान के भविष्य को लेकर आप अपने मित्र से चर्चा कर सकते हैं और अपने कीमती सामानों की सुरक्षा करिएगा। तुला राशि आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही बेस्ट रहने वाला है आपका, और अगर किसी नए उस काम की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत मन ला के करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत मतलब प्रॉपर अपना 100% उसमें दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई समस्या बहुत समय से बनी है तो आज वो दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि आज का दिन मिश्रित फल लेकर के आएगा। जीवन साथी को कहीं लेके घुमाने आप जा सकते हैं और किसी को भी बिना सोचे समझे ना मदद मांगे और ना करे तो ही आपके लिए बेस्ट होगा। धनु राशि आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी से अगर कोई अनबन चल रही है तो बिल्कुल आज वो दूर हो सकती है। आपकी घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और अपनी माता जी की सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। मकर राशि का आज का दिन बहुत मिला जुला रहने वाला है। किसी भी फंक्शन में आप सम्मिलित हो सकते हैं, किसी मुंडन में, शादी में, पार्टी में, कहीं आपका योग बन रहा है आपके फंक्शन में जाने का। और कोई भी निर्णय लें तो आपके निर्णय का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय को बहुत सोच समझ के लीजिएगा आज के दिन। कुंभ राशि आज का दिन आपके लिए धनाधन वाला है, यानी कि आपको आय एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय कर रहे हैं तो एक लंबी यात्रा पे जा सकते हैं और आपके जो खर्च हैं वो आपका सिर दर्द बन सकते हैं। मीन राशि आज आप अपने विरोधियों से सावधान रहे, और बस आपकी चतुर बुद्धि है इसलिए आप अपने विरोधियों को मात देने में कामयाब रहेंगे। घूमने का आज आप आनंद ले सकते हैं, घूमने के दौरान बिल्कुल जा रहे हैं तो खाने पीने का भी आनंद लेंगे और माता जी की सेहत को लेकर आप थोड़ी चिंतित रहेंगे। तो ये था आपका आज का पंचांग। सब में लिखा हुआ है कि माता पिता के प्रति चिंतित रहेंगे, माता या माता पिता का आशीर्वाद लो, ये डेली मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छी बात है कि माता पिता हमारे जो है हमारे एक ब्लेसिंग रहती है उनकी। कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है और उनकी चिंता करना स्वाभाविक है, बिल्कुल हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सफलता तभी मिलेगी जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के हमें सफलता नहीं मिल जाएगी। कुछ चीजें जो डेली होती हैं कि आपको कोई भी निर्णय है बहुत सोच समझ के करिए, अपनी बात को कहीं बिना मांगे, मैं रोज भी कहती हूँ कहीं बिना मांगे ना सलाह दीजिए, ना हेल्प करिए, ना कूदिए, किसी के मामले में ज्यादा ना घुसिए, वही बेस्ट रहता है। तो चलते हैं आज का इतिहास। आज है 12 मई, आज होता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है, यानी आज है नर्स डे। और उन सभी नर्स को हमारा सादर प्रणाम है, सत्संग बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि नर्स बहुत डॉक्टर के बाद नर्स होती है जो हमारी सेवा करती है। कोई बीमार है, हर उनके घर में चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने फर्ज को बखूबी निभाती है, तो उनको तो एक सल्यूट बनता है। डॉक्टर तो अपना काम करती है, फिट हो जाती है कोई भी, लेकिन जो देखभाल करती है मरीज की वो नर्स ही करती है, तो उनका पूरा 100% ही एक मरीज को स्वस्थ कर देता है। इंटरनेशनल नर्स डे पर जो है हर साल एक नई थीम होती है। आज है इंटरनेशनल नर्स डे और एक नई थीम होती है, और आज इस बार की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से मैं उन सभी नर्सों को सादर नमन करना चाहती हूँ जो अपना अपने पर्सनल चीज ना देखकर के अपने तन मन से जो है मरीज की सेवा करती हैं, उनको बेस्ट देती हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करती हैं, स्वस्थ करती हैं, तो उनको मेरा एक सल्यूट। उसके अलावा क्या हुआ था 12 मई को आज,
आज 1459 में आज के दिन जोधपुर, राव जोधपुर एक राजा थे और उन्होंने जोधपुर सिटी यानी सन सिटी जिसे हम लोग कहते हैं उसकी स्थापना करी थी। आज के दिन 1892 में भारतीय गुजराती लेखक है रमन लाल देसाई उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आज एक 1915 में आज के दिन 11 मई 1915 में एक जापानी नौका के द्वारा भारत से बाहर गए थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। यहाँ रास बिहारी बोस थे वो नौका से आज के दिन इंडिया से बाहर गए थे वो एक क्रांतिकारी थे। इसके अलावा कर्नाटक के प्रसिद्ध नाट वर्धक शेख चिल्ला मौलाना का भी आज के दिन जन्म हुआ था और बहुत सारे लोग का जन्म हुआ है आज। आज के दिन 1949 में 11 मई आज के दिन जो हमारी विजयलक्ष्मी पंडित थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली विदेशी महिला राजदूत नियुक्त हुई थी। बहुत गर्व की बात थी ये हमारे भारतीयों के लिए उस समय और आज भी है गर्व की बात है। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की पहली विदेशी महिला राजदूत नियुक्त की थी। तो ये था आज का हमारा इतिहास, क्योंकि हर दिन अपने में होता है खास, कुछ ना कुछ वो लेकर के आता है हिस्ट्री कि कुछ ना हर दिन की कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती है। तो आज इसलिए मैं लेकर के आती हूँ आपका इतिहास, क्योंकि हमें अपने जो दिन है जो हम जी रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंट हमें पता होनी चाहिए कि क्या है आज क्या हुआ था। क्या जन्मदिन तो मोस्टली लोगों का होता ही होता है, उसके अलावा क्या खास हुआ था। और इसी के साथ मैं लेकर के आती हूँ ये सेगमेंट जिसका नाम है आपका इतिहास। तो सारे प्रोग्राम हो गए, अब मुझे दीजिए जाने की इजाजत। मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आस पास मुस्कुराहट फैलाइए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, जो आपके बड़े हैं आज जिनके पास हैं उनका ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल